इस वक्त एक बड़ी खबर कंबोडिया से मिल रही है, जहां पर ग्रैंड डायमंड सिटी होटल में भीषण आग लग गई है। होटल में ठहरे लोग जान बचाने के लिए होटल से बाहर कूदते हुए तस्वीरों में नजर आए हैं। आग होटल के ऊपरी मंजिल में लगी थी। आग की लपटें इतनी खतरनाक थी, इतनी तेज थी कि काफी दूरी से ही इन्हें देखा जा सकता है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। होटल के ऊपरी मंजिल में बताया गया ये आग लगी, लेकिन लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने कमरों से कूदते हुए बाहर की तरफ नजर आए। जरूर चोट भी लगी होगी, लेकिन उन्हें ये लगा कि अगर आग उनके कमरे तक पहुंच गई तो शायद उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाए। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए लोग होटल के कमरे से कूदते हुए दिखे। क्या कारण रहा आग का, इसकी जरूर जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता ये है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, दूर से ही काले धुएं का गुबार भी आपको नजर आ जाएगा इस होटल के ऊपरी मंजिल। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंजिल में चूंकि आग लगी है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए ये आग इतनी खतरनाक थी, दूर से इसकी लपटें देखी जा सकती थी। अभी भी बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने का काम चल रहा है, जल्द से जल्द ये आग बुझा ली जाए ये कोशिश है। दमकल की और गाड़ियों की अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उन्हें भी मौके पर बुलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है और इस वक्त इस पूरे हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आग बुझा ली जाए जिससे कि आसपास दूसरे घरों को ये नुकसान ना पहुंचाए, आसपास के इलाके को भी अपने चपेट में ना ले लें। इधर अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है और जिसकी वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अमेरिका इन दिनों चारों तरफ से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। कहीं गाड़ियां बर्फ में दब चुकी हैं तो कहीं इमारतों पर बर्फ का कब्जा है और लोग इस बर्फीले तूफान का सामना करने को मजबूर हैं। न्यूयॉर्क से बर्फबारी का वीडियो सामने आया जिसमें सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ में फंसती हुई नजर आई। सड़क से बर्फ को हटाने के लिए यूएस नेशनल गार्ड को लगाया गया, जिसने मशीन की मदद से बर्फ के बीच से गाड़ियों को बाहर निकाला। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से राहत और बचाव का काम करने वालों को भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। भीषण ठंड और बर्फीली हवा के बीच राहत कर्मी सड़क से बर्फ हटाते हुए नजर आए। वहीं न्यूयॉर्क के ही दूसरे इलाके से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक झील पूरी तरीके से जमती हुई दिखी, तो वहीं झील के आसपास पेड़ भी बर्फ में लिपटे हुए नजर आए। बीच इराक के इरबिल से एक वीडियो सामने आया, वहां एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई जिसकी चपेट में आने से 2 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस तेल रिफाइनरी से ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग इतनी भयानक थी कि उससे काफी देर तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। तेल रिफाइनरी में आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। इस बीच जम्मू के सचिवालय में खादी ग्रामोद्योग विभाग में लगी आग में कई अहम दस्तावेज जल गए। आरोप है कि दमकल विभाग वहां देरी से पहुंचा, जिसकी वजह से आग सचिवालय के एक कमरे से चौथी मंजिल पर फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन कई अहम कागजात जल गए। बाद में वहां से धुआं उठता दिखा। सचिवालय में उपराज्यपाल और कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। बीएसएफ ने